नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। मैं हूं डॉक्टर एलन भाई। घटते जल से घटता जल, बिगड़ता संतुलन प्रकृति का और जल संकट का बढ़ना निश्चित रूप से चिंताजनक है, परंतु इसको बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग आज भी प्रकृति को संरक्षण देने के लिए, जल स्रोतों को संरक्षण देने के लिए, जल को बचाने के लिए और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करते देखे जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार का एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है और यह अभियान है जल संवर्धन का, जल गंगा संवर्धन मिशन का जो शुभारंभ हुआ है, उसके तहत दमोह के अनेक सरोवर और जल स्रोतों को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की एक मुहिम प्रारंभ की गई है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं और उनका पूरा स्टाफ यहां पर लगा हुआ है और साथ में वह लोग जो प्रकृति से करते हैं प्रेम और जल स्रोतों को बचाने के लिए लगातार पिछले लंबे समय से अपना योगदान दे रहे हैं। आपकी तरफ से आम जनमानस को क्या संदेश हो? मुझे लगता है कि आज से हमको इसकी परिभाषा बदलनी पड़ेगी। हमको ये बताना पड़ेगा कि समाज के नेतृत्व में अभियान चला और कलेक्टर पीछे आए। जब तक कलेक्टर आगे रहेंगे, जब तक जिला प्रशासन आगे रहेगा, तब तक ऐसे अभियानों का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। जब समाज आगे आएगा तो ही ऐसी समस्याओं का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल सकता है। तो मेरा आह्वान आप सबसे है कि आप इसका नेतृत्व करिए, हम पीछे से आपके साथ खड़े हैं। और जैसे जैसे ये आपके हाथ में नेतृत्व जाता जाएगा, इनकी दशा और दिशा अपने आप बदलने लगेगी। दमोह नगर के एक बड़े तालाब फुटेरा तालाब में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए जो कार्य प्रारंभ किया गया, वह निश्चित रूप से एक अभियान बनेगा। इसको बचाने के लिए लगातार पिछले कई समय से, बहुत लंबे समय से यूं तो प्रयास चल रहे हैं। विशाल सरोवर है, यह वह सरोवर है जिस सरोवर में होता है मूर्ति विसर्जन। यहाँ पर सिंघाड़ों की भी खेती होती है और अति प्राचीन है। बताया जाता है कि यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यह सरोवर गौरव गाथा है इस सरोवर की और इसी को बचाने के लिए लगातार कुछ युवा लगे हुए हैं, एक मुहिम चलाए हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत भी इसको आज साफ सफाई का अभियान जो प्रारंभ किया गया, दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर यहाँ स्वयं उपस्थित थे और उनके साथ उपस्थित थे वह अधिकारी जो इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपसे भी निवेदन कि प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, जल स्रोत और जल के जो सरोवर हैं या कुएं हैं, बावड़ी हैं, नदियां हैं, उनको स्वच्छ रखने की मुहिम में आगे आएं। जल बचाएं, क्योंकि जल है तो कल है।